कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने देश के सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री रहे राजीव गांधी की 30वीं पुण्यतिथि पर उनकी प्रतिमा के आगे पुष्प अर्पित किया, जिसके बाद उन्होंने लोगों में राशन वितरित किया। हालांकि उस समय सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही थी, पर वहीं सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार बिल्कुल भी तैयार नहीं थी और उनकी तैयारियां पर्याप्त नहीं है। देश के 1984-1989 तक रहे प्रधानमंत्री, जिन्हें कंप्यूटर टेली कम्युनिकेशन का जनक कहा जाता था, जिन्होंने पंचायती राज से लेकर युवाओं के लिए मतदान की उम्र 21 से 18 की, आज उनकी 30वीं पुण्यतिथि है और आज देश भर में उनकी पुण्यतिथि पर अलग अलग कांग्रेस नेता उन्हें याद कर रहे हैं। कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ने राजीव गांधी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। उसके बाद गरीब लोगों को राशन किट वितरित की। हालांकि उस समय सामाजिक दूरी देखने को नहीं मिली। वहीं कोरोना महामारी को लेकर सैलजा ने सरकार को जमकर कोसा, सबको साथ मिलकर लड़ने की जरूरत है और सरकार भी इस बात को समझने और मुख्यमंत्री को सबका सहयोग लेना चाहिए क्योंकि सरकार की तैयारियां पर्याप्त नहीं है। वहीं कुमारी सैलजा ने गांव में लोगों की तरफ से लॉकडाउन के विरोध में कहा कि गांव के लोगों को बुरा लगता है क्योंकि मनोहर लाल खट्टर ने खुद प्रोटोकॉल तोड़ा और कोरोना के समय ऐसी स्थिति बननी नहीं चाहिए। वहीं सरकार को फैसला लेना चाहिए कि अनाथ हुए बच्चों की शिक्षा बिल्कुल फ्री नवोदय विद्यालय में होनी चाहिए। वहीं किसान आंदोलन के सवाल पर सैलजा ने कहा कि सरकार को खुद पहल करनी चाहिए। ये लोग पहल तो करते हैं बल्कि रिएक्ट ज्यादा करते हैं। बात साफ है, मौका कोई हो या विपक्ष सरकार हो या तैयारियों से लेकर प्रोटोकॉल के नियमों पर सलाह देना में जुटे हुए हैं वक्त में कोरोना महामारी से लड़ने का, ताकि सब कुछ जल्दी ठीक हो जाए। ने जहां राजीव गांधी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए, उसके बाद राशन बांटा है और मास्क भी बांटे, सैनिटाइजर बांटे, क्या कहेंगे सर? आज से 30 साल पहले हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री, जिनको सफल प्रधानमंत्री के तौर पर देखा जाता है, वो 30 साल पहले हमारे से अलविदा हो गए थे। आज उनकी सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं और सभी कांग्रेसजन यहाँ इकट्ठे होकर उनको श्रद्धांजलि दी है और उनकी याद में AICC द्वारा आदेश हुआ था कि उनकी याद में आज गरीबों को सामान बांटा जाए, जो कोरोना का मरीज है उनको तक सामान मुहैया करा जाए, उसी के लेकर हम सब कार्यकर्ता यहाँ भी बांट रहे हैं। और 11:30 बजे सिविल हॉस्पिटल करनाल में भी जो मेरा जिसका मैं आयोजन कर रहा हूँ वहाँ भी हम कर रहे हैं। आज सारा दिन अलग अलग दिशा में लोग करेंगे, कहीं वरिंदर ढोर कर रहे हैं, कहीं सुरेश मित्रोटा कर रहे हैं, कहीं पवन शाहपुर कर रहे हैं, कहीं हम कर रहे हैं, कुलदीप शर्मा जी कर रहे हैं, कहीं टीम दुपिंदर हुड्डा कर रही है, सब अलग अलग जगह सामान बांट रहे हैं। देश भर में इस तरह ये देश भर में आज हर गरीब के घर में चूल्हा जलता है, ये संकल्प लिया गया है और कोरोना के मरीजों को जो दवाइयाँ दी है या PPE किट दी है और सामान मुहैया करा दें, उसके लिए भी हम आज कर रहे हैं। कांग्रेस के तमाम नेता, तमाम कार्यकर्ता आज अपने ड्यूटी में जो कर्मठ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, सभी अपना फर्ज निभा रहे हैं और संकल्प ले रहे हैं राजीव गांधी जी के दिखाए हुए रास्ते पर चलने का। ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा। अब हरियाणा सरकार की दीनदयाल आवास योजना के अंतर्गत सेक्टर 1 तरावड़ी में 135 और 142 गज के प्लॉट्स मात्र 21,000 रुपए देकर बुक करवाएं। गेटेड सोसाइटी, सड़क सीवरेज, स्ट्रीट लाइट, पार्क, कम्युनिटी सेंटर, तुरंत रजिस्ट्री और पोसेशन भी। कॉल 9466034000। लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।